नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष। आप देख रहे हैं क्वेश्चन आर भारत। आज फिर इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे ही बच्ची के बारे में बात करेंगे। ये भी एक साउथ का ही केस है, बैंगलोर का केस है। पिछला केस तमिलनाडु का था, आपने अगर वीडियो देखी होगी तो। ये पता नहीं क्यों छोटे बच्चों को ज़्यादा टारगेट क्यों किया जा रहा है। जो मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी उसमें तो उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया। आप जरूर उस वीडियो को देखिए, ज़्यादा शेयर करिए, दूर तक बात पहुँचाइए। इस वीडियो में भी एक ऐसा ही मामला आया है जिसमें बच्ची ने टीचर पर आरोप लगाया है कि भैया आप अल्लाह को प्रे करो। सडनली उन्होंने बोला कि आप ऐसा ऐसा करो और प्रे करने के तरीके बताए। और लड़की ने खुद, अब लड़की अगर उतनी छोटी बच्ची है, अगर वो आज झूठ बोल रही तो मुझे नहीं पता कौन सच बोल रहा है। उसने बताया कि कैसे कैसे करने को कहा, क्या क्या एक्सरसाइजेस बताई और अल्लाह को प्रे करने को कहा। और जब पेरेंट्स ने वीडियो बना के इस बात को उठाया, स्कूल से जवाब मांगा, पनिश करने के लिए टीचर को बोला या जो भी अपनी रिक्वेस्ट की। To the principal, Orchids International School, BTM branch, Mrs. Manjula, since in our earlier call today, even after my insistence, you refused to ask my daughter the question about the incident that happened in her class, I am now recording this as a sequel to our conversation and sending it for your reference. Vibhu, nim class alli enagittu puta helidella ninnu nenne helu. In my class, in maths class, we were learning about money chapter with Sarika ma'am, and everybody were getting it all wrong, and in the tests everybody were getting confused. So that's why the next day ma'am made us pray in Allah, and me and my other classmates who were Hindus kept telling we were Hindus, but still ma'am said Allah is a better God, and ma'am forced us to do it. Forced us antandre, what did she say? She said Allah is a better God. Okay, how did you actually pray? Like this, and then like this, and then we kneeled down. Okay, but did you not get confused with the eye exercise you do? Eye exercise is confused matkolilla, you know? The eye exercise is like this, and then my ma'am made us pray like this. It's not the eye exercise. It was clear to you, na? Yes. Okay. स्कूल ने, ऑर्चिड इंटरनेशनल स्कूल ने बेंगलोर के, उसने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने थरो जांच कर ली, सब कुछ ये कर लिया वो कर लिया, सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं, सब कुछ गलत है वगैरह वगैरह। ये आप ट्वीट देख सकते हैं और पूरा उनकी रिपोर्ट देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कोई CBI इन्वेस्टिगेशन बिठा लियो, ऐसी रिपोर्ट छापी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब घटनाएँ, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा, कन्वर्जन से रिलेटेड हर जगह हो रही हैं। आप मतलब एक ऐसी मेरी फ्रेंड की बात थी, वो फ्रेंड मेरी हिंदू थी और एक और फ्रेंड है मुस्लिम। तो वो जो मुस्लिम फ्रेंड है उसकी मदर मतलब जैसे होता है लोग घर आते जाते रहते हैं, तो जो उसकी मुस्लिम फ्रेंड थी उसकी मदर हिंदू लड़की को उस हिंदू नाम का मुस्लिम वर्जन बार बार बोल बोल के पुकार रही थी कि आप इस नाम से मैं आपको बुलाऊँगी। ये होता सॉफ्टली ब्रेन वॉश करना। ये बात लड़की के पेरेंट्स को भी पसंद नहीं थी, हिंदू लड़की के, लेकिन ये होता रहता था। मतलब वो एक होता है आप डायरेक्ट करो, एक इनडायरेक्ट होता है ब्रेन वॉश, कि भाई आप धीरे 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 ढल जाओ उस ढांचे में, और आपको एक समय के बाद अगर हम आपको कुछ आयत वायत पढ़वाने लग जाएँ, प्रे करवाने लग जाएँ, हिजाब ऑफर करो, कुछ भी करते हैं तो आप मना नहीं कर पाओ क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है। लेकिन वो घटना आगे नहीं बढ़ पाई। लड़की और पेरेंट्स समझदार थे भाई कि हमें क्या करना पता है। मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये सब घटनाएँ हो रही हैं, कितने लोगों की घटनाएं सामने आ रही हैं ये देखने वाली बात है। देखिए, मेरा काम है ऐसे मुद्दों को, जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत जल्दी इन सब मुद्दों पे हाथ नहीं लगाती, उनको लगता है कि उनको उनके ऊपर एक कम्युनल होने का टैग लग जाएगा, कहीं ना कहीं से फंडिंग रुक जाएगी, क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता। लेकिन जो लोग भी हाथ लगाते हैं, जो लोग भी आप तक ये बात ले आते हैं, मैं चाहता हूँ इन सब बातों को वहीं तक मत रहने दीजिए। आपस में डिस्कस करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए, सोर्सेज को शेयर करिए। जो बच्चे वीडियो बना के अपनी बातें कह रहे हैं, जैसे इस आर्टिकल में भी है, अगले में भी, जो मैंने पुरानी वीडियो दिखाई थी तमिलनाडु वाला केस, उसमें भी लड़की ने खुद मतलब हॉस्पिटल में थी, डेथ बेड पे थी, मरने वाली थी, उसने अपना सब कुछ कह दिया, उसने बच नहीं पाया, उसने सुसाइड कर लिया था। उसी तरीके से जब रियल केसेस हैं उनको आप छुपने मत दीजिए। अपने बच्चों से लगातार पूछिए, क्या आपके टीचर ऐसा कुछ कहते हैं,
क्या आपको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, क्या आपको ऐसे ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं, क्या आपको कुछ फोर्स किया जा रहा है किसी को प्रे करने के लिए, किसी और गॉड में बिलीव करने के लिए क्या फोर्स किया जा रहा है? कोई भी केस हो, मैं नहीं कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन जनरल कह रहा हूँ, आप एक बार पता करिए, फोर्स कन्वर्जन इलीगल हो चुका है कई राज्यों में, और जो भी कम्युनिटी कर रही है उसके खिलाफ आपको तुरंत अवेयर होकर सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहिए, कंप्लेंट्स करनी चाहिए और उनको पकड़वाना चाहिए। ऐसे एलिमेंट्स हर जगह के लिए खतरा हैं। मैं अभी यहाँ भले एक सॉफ्टली बोल रहा हूँ, एक नॉर्मल अपील कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है कि मेरे हाथ में होता तो मैं बहुत एक्शन ले सकता था। ऐसे जो हमारी संस्थाएं हैं जो एक्शन लेती हैं, अवेयर रहती हैं, एक्टिव रहती हैं इन बातों को उठाने को, उनको उठाना चाहिए, केसेस करने चाहिए। बाकी हमारा काम एक्सपोज करना है, जनता तक बात लानी है, ताकि बहुत लोगों को पता चले। बहुत लोगों को पता ही नहीं होगी, मैंने कुछ ऐसे डीप इन्वेस्टिगेशन नहीं की, इस आर्टिकल के बेसिस पे मैं जो चीज़ें कह रहा हूँ इस वीडियो के बेसिस पे जो कह रहा हूँ और ये वीडियो खुद पेरेंट्स ने बनाई है, लड़की ने खुद बोला है, तो मेरा सोर्स तो ये है, आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप और आगे पहुँचाइए, ताकि सब घटनाएँ रुकें, या भविष्य में होने वाला हो या हो रहा हो तो लोग अवेयर हो जाएं कि हाँ ये हो रहा है, ये कोई बहुत आउट ऑफ द ब्लू नहीं है, लोग ऐसे कर रहे हैं, इससे बचना जरूरी है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।